हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज 17 नवंबर, बात करेंगे बायोकॉन के बारे में। बायोकॉन में अभी एक ऐसा पैटर्न बन रहा है जहां देखने से लग रहा है कि देखिए उस पैटर्न में ब्रेकआउट आने ही वाला है, और अगर आप खरीद कर चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, क्योंकि यहां आप देख सकते हैं कि यहां जो पैटर्न बन रहा है वो देखिएगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अब चूंकि देखिएगा इसका जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, यहां पर देखिएगा बिल्कुल देखने से लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में हमको ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा। चूंकि ये इसकी जो नेकलाइन है, जहां पर देखिएगा कई बार इसने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस किया है, और अब देखने पे लग रहा है कि देखिए ब्रेकआउट आने में अब ज्यादा टाइम नहीं है। चूंकि देखिएगा यहां पे ब्रेकआउट की जो संभावना है वो क्यों ज्यादा लग रही है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां देखिएगा ये जो ब्लू लाइन आपको दिखाई पड़ रही है, ये 20 डे का सिंपल मूविंग एवरेज है, जिससे देखिएगा ऊपर ये अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं देखिएगा नीचे जो आपको ये रेड लाइन दिखाई पड़ रही है, ये 50 डे का सिंपल मूविंग एवरेज है, और जिससे ये ऊपर है, तो सीधे सीधे इंडिकेशन लग रही है कि यहां पर पूरी तरीके से बुलिश सिग्नल हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नेकलाइन है, यहां पर इसको रेजिस्टेंस फेस हो रहा था वो 263 का जोन है, यानी कि देखिएगा मल्टीपल टाइम इसने 263 को टच किया है, और देखिएगा हमेशा इसने रेजिस्टेंस फेस किया, और ये बार बार यहां से हमको गिरावट देखने के लिए मिली है। अब चूंकि यहां पर देखिएगा ये जैसे ही देखिए इस बार जो आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज से देखिएगा ऊपर है यहां पर, और देखिए यहां से सीधे जो ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिलेगा, और ये ब्रेकआउट होगा जब ये 263 को देखिएगा क्रॉस कर लेगा, उसके ऊपर जाके स्टे करेगा। यानी कि जैसे ही ये देखिएगा 263 के ऊपर क्लोज होता है, तो यहां पर आपको बाय करना होगा, और बाय करने के बाद जो टारगेट्स आपको देखने के लिए यहां से मिलेंगे वो तकरीबन देखिएगा 308 के होंगे। क्योंकि देखिएगा 308 के टारगेट कैसे देखने को अब मिले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो नेकलाइन से लेके इसके हेड तक की जो हाइट है वो देखिएगा तकरीबन 45 के लगभग है, यानी कि इसकी हाइट तकरीबन 45 की है। अगर आप 263 में 45 को ऐड करते हैं तो आपको जो टारगेट देखने के लिए मिलेगा वो 308 के लगभग होगा, यानी कि जो हमारा टारगेट होंगे वो 308 के होंगे जब हम 263 के ऊपर जाके खरीदेंगे। जैसे ही देखिएगा 263 के ऊपर जाके ये स्टे करता है, क्लोज होता है, तो वहां पर हमको खरीदना है, और टारगेट हमारे 308 के लगभग देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि देखिए जब ब्रेकआउट आएगा तो आपको ख्याल रखना है कि देखिए वॉल्यूम जो है वो काफी अच्छा होना चाहिए, वरना ये फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा देखिए टेक्निकल चार्ट पे मैंने आपको बता दिया है। ये जो नेक लाइन है ये एक रेजिस्टेंस की लाइन है, जो मल्टीपल टाइम इसने रेजिस्टेंस यहां पे फेस किया है जो 263 है, लेकिन अब लगता है कि डेफिनेटली इस बार ब्रेकआउट डेफिनेटली हमको देखने के लिए मिलेगा। वहीं चलते हैं देखिएगा एनएससी पर, यहां देखिए आपको देखने के लिए मिलेगा। चूंकि देखिए हमारी जो ओपनिंग थी वो देखिएगा तकरीबन 255 के लगभग थी, अब ये देखिएगा 255 पे हमारी जो ये ओपनिंग है ये देखिए अपने आप में गैप अप थी। ये 30 पैसे के साथ हम खुले थे लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर, जहां पे प्रीवियस क्लोजिंग हमारी 254.70 के लगभग थी। हमारा हाई बनता है 262 का, यानी कि हमारा हाई यहां पर देखिएगा सीधे सीधे 7 रुपए का बनता हुआ दिखाई पड़ा है, जो सीधे तरीके से बुलिश सेंटीमेंट्स को दर्शाती है। वहीं देखिए हमारा लो था 253.10 का, जो तकरीबन 1.90 रुपए डाउन दिखाई देगा आपको अपनी ओपनिंग से। साथ ही देखिएगा क्लोजिंग होती है 257.25 की, जहां पर देखिएगा 2.25 रुपए के लगभग आपको ओपनिंग से बढ़त हासिल होती हुई दिखाई पड़ेगी, यानी कि हमारी क्लोजिंग जो है वो 2.25 रुपए ऊपर है हमारी देखिएगा ओपनिंग से। 33 के लगभग क्वांटिटी जो है वो सेल क्वांटिटीज लगी हुई थी, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो तकरीबन देखिएगा 19,29,000 से ज्यादा है। वहीं देखिएगा डिलीवरी क्वांटिटी जो है वो 3,70,000 से ज्यादा है, जो तकरीबन 19.20% के लगभग डिलीवरी परसेंटेज रखती है ओवरऑल ट्रेड के। वहीं देखिए यहां पर आप देख सकते हैं फ्यूचर्स का प्राइस बढ़ा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, तो डेफिनेटली लॉन्ग्स बिल्डअप हुए हैं, जो काफी अच्छी बात है। अब यहां पर देखिएगा हमारा जो सपोर्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है, सबसे पहले देखिए एट द मनी हम देखिएगा 255 और 60 के बीच में है। यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो सपोर्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है वो देखिए 250 के लगभग, यहां पर आप देख सकते हैं जहां पर आपको 1,20,000 के लगभग ओपन इंटरेस्ट देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर देखिएगा कहीं ना कहीं आपको पुट राइटर्स की 10,000 के लगभग अनवाइंडिंग देखने के लिए मिलेगी, और
और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा 260 की स्ट्राइक पर देखिएगा, जहां पर देखिए 7200 के लगभग आपको देखिएगा शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि प्रीमियम पे अगर आप नजर डालेंगे तो देख सकते हैं कि कॉल बायर सीधे सीधे हावी हैं, क्योंकि कॉल राइटर्स जो है वो अपना लॉस रिकवर कर रहे हैं 260 पर, जहां पर देखिएगा 322000 के लगभग ओपन इंटरेस्ट लगा हुआ है। अब देखिए बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण चीज की कि देखिए स्टॉप लॉस क्या रखा जाए। तो देखिए स्टॉप लॉस आपका जो है वो देखिए टेक्निकल चार्ट पर आप देख सकते हैं, यहां पर जब मैं आपको लेकर जाऊंगा तो यहां आपको देखना चाहिए कि स्टॉप लॉस जो है वो 240 के लगभग होना चाहिए, क्योंकि ये जो एक जोन है इसको आप देख सकते हैं जैसे हमने यहां पर तोड़ा था, देखिएगा जैसे हमने 240 को यहां ब्रेक किया उसके बाद से देखिएगा हमको गिरावट देखने के लिए मिली थी। तो देखिए हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 240 के लगभग होना चाहिए, यानी कि देखिए अब हमें खरीदना कहां है, हमें खरीदना है 263 के ऊपर जब क्लोज होगा, और देखिएगा स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन हमारा 240 के लगभग होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पहले भी गिरावट आई थी हमारा जो स्ट्रक्चर कमजोर हुआ था वो भी देखिएगा 240 को तोड़ने के बाद ही हुआ था। यानी कि 263 के ऊपर खरीदिएगा और स्टॉप लॉस लगाना है 240 का और टारगेट है देखिएगा 308 के, और डेफिनेटली यहां पर आपको एक अच्छी खासी खरीदारी देखने के लिए जरूर मिलेगी, क्योंकि ब्रेकआउट अब आएगा डेफिनेटली, और ब्रेकआउट जो होगा वो यहां तक समझिएगा कि वो फेक नहीं होगा, इस तरीके के सेंटिमेंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, और यहां पर आपको खरीद के चलने में ही फायदा है। क्योंकि देखिएगा फार्मा सेक्टर अपने आप में काफी वोलेटाइल है और डेफिनेटली बायोकॉन में पहले काफी गिरावट आ चुकी है, तो अब ये रिकवर कर रहा है और यहां पर आपको खरीदने में ही फायदा होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं, आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस पर बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा हो तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए थैंक यू।